वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप आज हम करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है नेचुरलिज्म ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं बल्कि तीन सब्जेक्ट्स के अंदर बिल्कुल सेम टू सेम आता है ये नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट और अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के अंदर और साथ साथ लैंग्वेज अक्रोस द करिकुलम सब्जेक्ट के अंदर इसके क्वेश्चंस आते हैं और ये 16 मार्क्स के लिए पूछा जाता है इसलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है चलो देखते हैं कि इसके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं पहला देखते हैं डिफाइन नेचुरलिज्म वट आर द चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिलोसफी ऑफ नेचुरलिज्म या फिर पूछ सकता है डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ नेचुरलिज्म

और सेकंड क्वेश्चन में हम उसके फीचर्स के साथ साथ उसके मेथड ऑफ टीचिंग को उसके प्रिंसिपल्स को और उसके डिसिप्लिन को एम्स को डिस्क्राइब करेंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आज हम शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ नेचुरलिज्म 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 का मतलब होता है प्रकृतिवाद प्रकृतिवाद जैसे इसके नाम से ही पता चलता है नेचुरलिज्म यानी कि नेचर तो ये जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है नेचर से लिया गया है और उसमें सारी की सारी चीज़ें नेचर के द्वारा ही कंस्ट्रक्ट की जाती है ये माना जाता है कि जो भी चीज़ है वो नेचर पे ही बेस होती है जो हमारी नेचुरल लाइफ होती है चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड है चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड है चाहे साउल है गोड है स्पिरिचुअल वर्ल्ड है सारे के सारे नेचर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं एजुकेशन के अंदर भी नेचुरलिज्म को चाइल्ड सेंटर्ड फोकस किया गया है क्योंकि इसमें सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो एजुकेशन के ऊपर ही बेस माने जाते हैं जो कि नेचर से होते हैं ठीक है पढ़ते हैं द वर्ड नेचुरलिज्म फ्रॉम द वर्ड नेचर तो यानी कि ये नेचर वर्ड से आया है नाउ क्वेश्चन अराइज इज दैट वट इज नेचर नेचर क्या है देखते हैं जनरली नेचर इज नोन एज दैट कंपोजिशन विच डिवलोप ऑफ इट्स ओन एंड ह्यूमन डोंट हैव एनी कंट्रीब्यूशन इन द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट थिंग्स यानी कि नेचर जो खुद से ही क्रिएट होता है जिसमें ह्यूमन की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती जो इंसान है वो अपना उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देते जैसे सूरज है चांद है पेड़ पौधे है पृथ्वी है समुंदर है ये सारे के सारे क्लाउड्स है बारिश है प्लांट्स ये सारे के सारे ये ह्यूमन के द्वारा कंट्रीब्यूट बिल्ड नहीं किए जाते हैं नेचर के द्वारा होते हैं फॉर एग्जाम्पल अर्थ ओशियन माउंटेन स्काई सन मून स्टार्स क्लाउड्स रेन प्लांट्स एंड एनिमल्स एटसेट्रा सो हम कह सकते हैं इट ऑल्सो डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड बिलीव दैट स्पिरिट इज ओनली अ अटेरियलिस्टिक कॉन्शियस एलिमेंट तो नेचर नेचुरलिज्म में उसमें गोड की एग्जिस्टेंस को बिलीव नहीं किया जाता वो ये मानते हैं कि सब कुछ प्रकृति द्वारा ही होता है दस इट इज द आइडियोलॉजी ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी तो ये वेस्टर्न फिलोसफी से आई है विच बिलीव यूनिवर्स एज अ नेचर एंड ऑल्सो बिलीव दैट ओनली फिजिकल वर्ल्ड इज द ट्रूथ एंड डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड यानी कि जो फिजिकल वर्ल्ड है जिसको हम देख सकते हैं जिसकी एग्जिस्टेंस है वही मानी गई है जो बाकी जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है कि भाई गॉड है साउल है स्पिरिट है उसको एग्जिस्टेंस नहीं माना गया ठीक है तो नेचुरलिज्म इज द टाइप ऑफ फिलोसफी अकॉर्डिंग टू विच नेचर इज द अल्टीमेट रियलिटी अल्टीमेट यानी कि परम यानी कि अंतिम यानी कि सब कुछ नेचर से ही बना है और नेचर में ही खत्म हो जाता है सो नेचर इज एवरी बियोड इट सब कुछ नेचर ही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है तो so, प्रकृतिवाद सिर्फ नेचर को ही सब कुछ मानते हैं इट मीनस बिलीव इन नेचर एंड रिटर्न टू इट यानी कि नेचर में विश्वास रखो क्योंकि नेचर से ही सब कुछ मिला है और नेचर में ही चला जाएगा सो नेचर इज ऑल्सो टर्म्ड एज मैटेलिज्म तो मैटेलिज्म किसको बोला गया है नेचर को इट इज अ सेल्फ सफिशियंट एंटिटी यानी कि जो इसका अस्तित्व है वो खुद से ही बना हुआ है सो नेचर ऑल्सो कंटेन्सर तो नेचर के अंदर जितने भी फिलोसफिकल प्रॉब्लम होती है कि भाई क्या चीज कहाँ से आई है कैसे बनी है कैसे खत्म होगी कब आएगी वो सब की सब इन प्रॉब्लम्स का आंसर नेचर से ही मिलेगा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन ऑफ नेचुरलिज्म व्यू तो रस्क ने क्या बताया है नेचुरलिज्म नेचुरलिज्मिकल पोजिशन एडोप्टेड बाई दोफिकू से आगे आई है उस अप्रोच को हम नेचुरलिज्म मानते हैं अकॉर्डिंग टू नेचुरिज्म नेचर अलोन इज द ओनली रियलिटी तो जो नेचुरलिज्म है जो नेचुरलिज्म में बिलीव करते हैं वो क्या मानते हैं कि भी जो सिर्फ नेचर है वही एक रियलिटी है बाकी कुछ भी ट्रुथ नहीं है बियोन्ड नेचर देर इज नो रियलिटी एंड नेचर एंड रियलिटी आर आइडेंटिकल तो नेचर के बियोन्ड कुछ भी नहीं है नेचुरलिस्ट बिलीव दैट द नेचुरल वर्ल्ड इज द रियल वर्ल्ड तो वो क्या कहते हैं कि जो नेचुरल वर्ल्ड है वही रियल वर्ल्ड है बाकी सब कुछ एक इमेजिनेशन है दे डोंट हैव फेथ इन गॉड और वो मैंने बताया था ना कि स्पिरिट में गॉड में साउल में भी विश्वास फेथ नहीं रखते ठीक है अब देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिज्म तो नेचुर पर मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है देख लेते हैं ये सारी की सारी अगर आपको मीनिंग आता है तो आप इसको इजीली अपनी तरफ से बना सकते हैं क्योंकि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मीनिंग से ही लिख गई है देखो हमने पढ़ा है नेचर अलोन इज द एंटायर रियलिटी बिल्कुल की नेचर ही सब कुछ है सारा सत्य सारा नेचर से ही है सेकेंड नेचुरलिज्म हैज नो बिलीफ इन स्पिरिचुअल वैल्यूज दैट इज गॉड एंड साउंड ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं नेचुरलिस्ट बिलीव दैट साइंटिफिक नॉलेज इज ऑफ द हाईएस्ट वर्थ तो वो साइंटिफिक नॉलेज को मानते हैं क्योंकि वो गॉड के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते फिर साइंस इज द सोर्स ऑफ नॉलेज तो उन्होंने ज्ञान का नॉलेज का सोर्स किसको माना है साइंस को ही माना है तो मानते हैं कि भी किसी भी चीज किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो साइंस के द्वारा द्वारा किया जा सकता है फिर इट इज़ अगेंस्ट बुकिश नॉलेज जो बुकों में नॉलेज दी जाती है भी जो बताया जाता है जो ज्ञान हमारे द्वारा मेड होता है उसको वो नहीं मानते उसके वो अगेंस्ट होते उसके फेवर में नहीं होते कौन नेचुरलिस्ट फिर नेचर हैज इट्स ओन हिस्ट्री खुद ही इसकी हिस्ट्री होती है इट ग्रोज़ एंड इन्वॉल्व्स विद पैसेज ऑफ टाइम जो कि टाइम के साथ-साथ बढ़ती ही रहती है और उसमें चेंजेस भी आते रहते हैं मैन इज़ ऑल्सो चेंज्ड विद द लैप्स ऑफ टाइम बिकॉज़ ही इज़ द ऑफस्प्रिंग ऑफ नेचर तो जैसे ऋतुएं होती है हमारी एक जाती है दूसरी आती है ऐसे ही मैन भी उसमें चेंजेस आते रहते हैं और समय के साथ साथ बदलाव जरूरी होता है जो कि नेचर का प्रकृति का नियम माना जाता है। ओनली एन आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर तो नेचुरलिज्म मानते हैं कि जो सोसाइटी है जो समाज है ये आर्टिफिशियल है ये बनावटी है इससे कोई भी चीजें हम कंस्ट्रक्ट नहीं सोशल कंस्ट्रक्ट में ये बिलीव नहीं सेंसेस आर द नेचुरल गेटवे गेटवे यानी कि मुख्य द्वार ऑफ तो जो नेचुरलिज्म के थ्रू की जो हम देखते हैं जो हम सुनते हैं जो हम महसूस करते हैं जो हम टच करते हैं सारी नेक्स्ट नेटेड नेचर ऑफ सिविलाइजेशन तो वो सिविलाइजेशन है जो जो लोग रहते हैं जिस तरीके से उनका कल्चर है उसके भी वो अगेंस्ट ही है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म तो नेचुरलिज्म के प्रिंसिपल्स नेचर को नेचुरलिज्म में हमने पढ़ा क्या होता है कि नेचर को बेस माना गया है ये जो इसकी जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड मानी गई है इसमें एजुकेशन को दो तरीके से बताया गया है एक पॉजिटिव एजुकेशन और एक नेगेटिव एजुकेशन पॉजिटिव एजुकेशन में बताया कि वो जो बुक्स के थ्रू जो नॉलेज होती है वो नॉलेज ठीक नहीं होती और जो नॉलेज एक्सपीरियंस के थ्रू होती है वो परमानेंट होती है फिर है कि जो हम हमने पढ़ा था कि वे स्पिरिट्स होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बिलीव नहीं करते वो नेचर को ही फॉलो करते हैं और बुकिश नॉलेज के वो अगेंस्ट होते हैं ठीक है तो वन बाय वन हम देख लेते हैं सबसे पहले है बेस्ड ऑन नेचर तो अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म एजुकेशन इज बेस्ड ऑन नेचर इट एम्फेसाइजेज यानी कि किस पे जोर देता है ओन लिविंग नेचुरल लाइफ नेचुरल लाइफ पे भाई हमें बिल्कुल सिंपल तरीके से अपनी लाइफ को कैसे जीना है कैसे हम अपने आप को फिजिकली भी फिट रख सकते हैं हम अपने स्पिरिट को भी फिट रख सकते हैं वो उस पर जोर दिया गया है क्योंकि ये गोड में तो विश्वास नहीं करते फिर दे डो नोट है वर्ल्ड ठीक है अभी मैंने बताया दे बिलीव ओनली इन द एग्जिस्टेंस ऑफ मटीरियल वर्ल्ड एंड नेचर की जो फिजिकल वर्ल्ड है जो हम देख सकते हैं महसूस कर सकते हैं उसी में विश्वास रखते हैं सेकेंड इसमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन तो जो इसकी जो नेचुरलिस्ट है उनका क्या मेन होता है कि जो एजुकेशन होते हैं वो बच्चे के ऊपर फोकस होनी चाहिए कि उसका सारा का सारा ध्यान बच्चे की के ओर केंद्रित होना चाहिए कि भाई कैसे उसको एजुकेशन अच्छे से प्रोवाइड करवाई जा सकती है पढ़ते हैं नेचुरलिस्ट फोकस ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट एजुकेशन शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ स्टूडेंट्स कि भाई बच्चे को प्रकृति रूप से सिखाना चाहिए कि भाई कैसे हम अपना जीवन बिल्कुल सादा जीवन जिए प्रकृति से ही हम कैसे चीजों को सीखे प्रकृति को कैसे एनवायरमेंट को कैसे क्लीन रखे सारी चीजों को मतलब स्टूडेंट्स को नेचर के बारे में ही ज्यादा से ज्यादा सिखाना चाहिए बुकिश नॉलेज पे ध्यान नहीं देना चाहिए नेक्स्ट बिलीव इन नेगेटिव एजुकेशन अब देखो यहाँ पर दो तरीके की एजुकेशन बताई गई है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव एजुकेशन को अच्छा बताया है और पॉजिटिव एजुकेशन को अच्छा नहीं बताया है ये रूसो ने इस चीज को फोकस किया कि नेगेटिव एजुकेशन बेटर होती है देखते हैं कैसे द नॉलेज और एक्शन विच चिल्ड्रन लर्न बाय देर एक्सपीरियंस इज परमानेंट एंड टर्म्ड एज एने विथ जो भी चीजें हम होते हैं सीखते हैं वो अगर हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं कि भाई कोई चीजें हम बार बार करते हैं उसको गलत भी करेंगे फिर उसको ठीक करेंगे हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं अगर किसी भी चीज को हम मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम देखते हैं ज्यादा से जैसे हम मानते हैं कि भाई टेन थाउजेंड आवर किसी को देते हैं तो हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं तो वो सक्सेसफुल हो जाती है तो वो चीजें हमारे लिए परमानेंट हो जाती है हमें हमेशा के लिए वो याद रहती है तो वो नेगेटिव एजुकेशन है जो कि बेस्ट मानी गई है जबकि पॉजिटिव एजुकेशन क्या है द एजुकेशन विच इज गिवन टू चिल्ड्रन इन फॉर्म्स और ऑर्डर्स और डायरेक्ट थ्रू बुक्स बाई विच दे आर फोर्स टू डू वर्क ऑफ इज अडल्टज पोस्ट एजुकेशन जो नॉलेज उसके ऊपर थोपी जाती है उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं होता उसके ऑर्डर के थ्रू डिसिप्लिन के थ्रू पॉजिटिव है, है, एजुकेशन ये टेम्परेरी होती है इसको अच्छा नहीं सो नेगेटिव नॉलेज इज बेटर नॉलेज बाय रूसो तो रूसो ने नेगेटिव नॉलेज को बेटर माना है नेक्स्ट वर्ल्ड इज नेचुरल क्रिएशन तो जो ये वर्ल्ड है यूनिवर्स है ये नेचर के द्वारा ही बना है पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट cause and happenings of universe is nature itself combination of natural element result in formation of different matter combination of different matter result in creation of world and dissolution of these matter causes its destruction मतलब तो इसने एक प्रोसेस को फॉलो किया है कि जो यूनिवर्स है उसमें सबसे पहले कोजिस कारण होते हैं किसी भी चीज के कि भाई हाँ कहाँ से कैसे होगी फिर उनके कॉम्बिनेशन से जो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं उनको फॉर्मेशन की जाती है उनकी अलग अलग मैटर में और वो मैटर क्या वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं और अगर ये मैटर डिजोल्व खत्म होते हैं जब तो उससे क्या होता है डिस्ट्रक्शन होता है कि भाई कैसे सृष्टि बनती है और कैसे सृष्टि ने कोई भी चीजें भाई अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो मृत्यु भी अवश्य होगी चाहे वो कोई भी लिविंग थिंग हो तो वो इसको बताया गया है प्रोसेस को दिस प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन एंड डिसोल्यूशन टेक प्लेस अंडर सम पर्टिकुलर रूल्स तो ये रूल्स होते हैं कि भाई कि, किसका जैसे कब जन्म होना है कब उसका साइकिल चलता है जो उसका और फिर कब वो डिसॉल्व होता है जैसे फॉर्मेशन ऑफ ट्रीज फ्रॉम सीड एंड सीड फ्रॉम ट्रीज कि भी जैसे पेड़ से बीज बनता है और बीज से ही पेड़ बनता है तो ये डिस्ट्रक्शन और फॉर्मेशन का प्रोसेस चलता रहता है नेक्स्ट है नो स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो भी बताया कि स्पिरिट में साउल में गोड़ में विश्वास नहीं रखते नेचुरिस्ट बिलीव दैट दिस फिजिकल वर्ल्ड इज ओनली ट्रूथ सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड ट्रूथ है जो हम हमारे सामने चीजें है वही ट्रूथ है वी कैन नॉट सी द स्पिरिचुअल वर्ल्ड बाई अवर सेंसेज सो इट्स नॉट ट्रूथ कि जब हम भगवान को किसी आप ऐसे किसी भी ट्रुथ उसको देख ही नहीं सकते तो हम उसको क्यों ट्रुथ माने वी आर सींग दिस वर्ल्ड डायरेक्टली विद विदर सेंसेस सो दिस इज ओनली ट्रुथ कि जो चीजों को हम देख सकते हैं महसूस करते हैं सिर्फ वही ट्रुथ होता है ठीक है नेक्स्ट तो है फॉलो नेचर तो नेचुरलिस्ट किसको फॉलो करते हैं नेचर तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बहुत एम सी के उम में भी हेल्पफुल होंगे तो फॉलो नेचर इज द बेस्ट स्लोगन ऑफ नेचुरलिज्म नेचुरल लिविंग इज बेस्ट फॉर कंफर्टेबल लाइफ कि अगर हम बिल्कुल नेचुरल तरीके से अपनी लाइफ को जीवन को जिएंगे तो वो हमारे लिए कंफर्टेबल होगा जो ये बाकी की सुख सुविधा होती है जो लग्जरियस लाइफ होती है ये हमारे लिए नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल नहीं मानी जाती सो फ्रॉड चीटिंग फाइट एसेट्रा आर नॉट द नेचर ऑफ ह्यूमन बींगे ये धोखा कि करना किसी के साथ फ्रॉड करना लड़ाई करना झगड़े करना ये सारी की सारी ह्यूमन बींग्स के लिए अच्छी नहीं बताई गई है नेचुरलिस्ट के द्वारा नेक्स्ट है सेंसेज आर द गेट वे ऑफ नॉलेज तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है कि जो हम जिस चीज जो हमारे सेंसेज होते हैं हमारे फाइव सेंसेज होते हैं इन्हीं के थ्रू हम अपने वर्ल्ड को एग्जिस्टेंस को महसूस करते हैं तो यही हमारे गेटवे मुख्य द्वार है सो नेचुरलिस्ट बिलीव दैट सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज माइंड इज ब्रेन फंक्शनिंग एंड ब्रेन इज मैटर कि जो भी हमारा जो हम दिमाग है जो हम काम करते हैं जो एक्टिविटी करते हैं अगर हम उसको ही हेल्दी नहीं रखेंगे तो फिर हम आगे उसको काम नहीं कर सकते तो इसलिए कहते हैं ना कि भाई अपने माइंड को अपने मेडिटेशंस के थ्रू कंसंट्रेशन के थ्रू फिट रखिए क्योंकि इसी से हम सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं ऑल टाइप ऑफ मेंटल एक्टिविटीज़ इमेजिनेशन थिंकिंग रीजनिंग एक्सेट्रा आर द फ्शंस ऑफ द ब्रेन कि ये ब्रेन क्या क्या फंक्शन करता है इमेजिनेशन करता है चीज़ों की कल्पना करता है थिंकिंग सोचता है रीजनिंग ढूंढता है चीज़ों को कि भी क्या हुआ कैसे हुआ कैसे इसको सोल्व करना है ये सारे के सारे फंक्शंस ब्रेन परफॉर्म करता है नेक्स्ट इसमें अगेंस्ट बुकिश नॉलेज जो नेचुरलिस्ट है ये बुकिश नॉलेज में विश्वास नहीं रखते क्यों बिकॉज नेचुरलिस्ट वाज नोट इन फेवर ऑफ बुकिश एजुकेशन बिकॉज दे बिलीव इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की भाई इनका फोकस होना चाहिए भाई बच्चे को नेचुरल तरीके से कैसे हर चीज को सिखाया जाए उसको ये 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 बता बुक में ये बताने की बजाय कि ये ये एप्पल है उसको लाइव दिखाए कि नेचर से भी देखो ये एप्पल है ये ऐसे दिखती है ऐसे इसका कलर है ये शेप है ये ऐसे तो उसको चीज़ें बुक में पढ़ाने के बजाय उसको लाइव उसको एग्जाम्पल देने चाहिए ताकि उसको अच्छे से समझ आए द चाइल्ड ऑक्युपाइज सेंट्रल पोजिशन इन एजुकेटिव प्रोसेस इट गिव्स फ्रीडम टू चाइल्ड सो दैट दे कैन लर्न वैदर दे वट एवर दे वॉन्ट तो बच्चे जो वो सीखना चाहते हैं वही सीखें उनके ऊपर कोई प्रेशर ना फिर ए लर्निंग बाय डूइंग तो ये है कि हम जितना हम प्रैक्टिस करेंगे अपने एक्सपीरियंस से चीजों को कर करके सीखते हैं नेचुरलिस्ट लेस ऑन लर्निंग बाय डूइंग इट इंक्लूड्स प्रैक्टिस एक्सपीरियंस सेल्फ रियलाइजेशन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन जो नेचुरलिस्ट होते हैं ये मानते हैं कि हम चीजों की प्रैक्टिस करेंगे उससे हमारा एक्सपीरियंस होगा हम खुद से ही चीजों को रियलाइज करेंगे कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं ऑब्जर्व करेंगे और फिर उस पे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे उसके टेस्ट करेंगे कि भई हाँ ये कितनी ट्रूथ है अ चाइल्ड लर्न मोर बेटर वेन ही और शी ग्रोज इन नेचुरल वे तो अगर वो नेचुरल वे से सारी चीजों को सीखता है चीजों को देखकर महसूस करके सुन के सीखता है तो वो उसके लिए ज्यादा बेटर माना जाता है लास्ट इसमें प्रोग्रेसिव एंड डायनेमिक एजुकेशन यानी कि जो एजुकेशन है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है इसमें समय के हिसाब से चेंजेस आते रहते हैं इसीलिए हमें उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना होता है तो नेचुरलिस्ट बिलीव इन प्रोग्रेसिव एंड डायनेमिक एजुकेशन एज नेचर इज चेंज अकॉर्डिंग टू लैप्स ऑफ टाइम सिमिलरली ह्यूमन्स ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस एंड सिचुएशन तो जैसे टाइम के अनुसार नेचर बदलता है उसी हिसाब से ह्यूमन्स भी बदलते रहते हैं ठीक है तो कंक्लूजन क्या हो सकता है हम इसका कंक्लूजन निकालेंगे कल्पना करने की जो सीखने की पावर होती है इट्स एजुकेशन नॉलेजिस एंड साइंस देयर इज नो प्लेस फॉर रिलीजन एंड मॉरल वैल्यूज यानी कि जो हमारे सेंसिस होते हैं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है थिंकिंग होती है वही एक नेचुरल वे है किसी भी चीज़ को सीखने का और जो रिलीजन्स या मॉरल वैल्यूज है उसकी वहां पर कोई जगह नहीं है ठीक है तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो अगर आपको समझ आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए और नेक्स्ट इसकी जो टॉपिक है जिसमें हम मेथड्स को एम्स को डिसिप्लिन को करेंगे उसके नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए थैंक यू